गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर स्टूडेंट, इट इज योर साइंस पीरियड। आई विल राइट फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम लेसन 5। मैं आपको फिल इन द ब्लैंक लेसन 5 के लिखाने जा रहा हूँ। कल मैंने नेम द वन वर्ड आपको लिखाया था, आज फिल इन द ब्लैंक लिखाऊंगा। तो सभी भैया बहन अपनी कॉपी निकालेंगे, कॉपी में आज की डेट डालेंगे 21 अगस्त 2021, क्लास को लिख देंगे। ठीक, ये दो चीज़ें केवल लिखेंगे, और जहाँ पे मैंने कल लिखाया था उसी के नीचे एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है। जिनका पेज भर गया है वो नए पेज से लिखें, डेट और क्लास वर्क डालना है। बात समझ में आ गई? तो इतना काम ब्लैक पेन से करने के बाद में आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। ए नंबर डालेंगे, हम लिखेंगे राइट द डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट द नेम्स एन ए एम ई एस नेम्स ऑफ बर्ड बी आई आर डी एस बर्ड टू एफ आई डबल एल फिल इन द ब्लैंक पी एल ए एन के एस ब्लैंक। ठीक, खाली जगह भरनी है। खाली जगह में क्या लिखना है? द नेम ऑफ बर्ड, पक्षियों के नाम लिखने हैं खाली जगह पर। जो जिसको बिलोंग करता है जो बर्ड, उसका नाम आपको वहां पर लिखना है। ठीक, तो सेंटेंस क्या है देखिए ध्यान से। ये पूरी लाइन आप ब्लैक पेन से काफी बार सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, कोई भी भैया बहन गंदी राइटिंग में नहीं लिखेगा, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। और स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग गलत ना हो। अब देखिए नंबर वन, नंबर वन क्या है? द ई एच द खाली जगह, खाली जगह। इसके बाद बर्ड ई आई आर ई एस बर्ड यूजेस यू एस ई एस यूजेस इट्स इट्स बी बी ई ए के बी लाइक एल आई के ई लाइक आर एन डबल ई बी एल ई नीडल टू नीडल टू स्यू एस ई डब्ल्यू स्यू लीव एल ई ए बी ई एल। ऐसा पक्षी जो अपनी चोंच को सुई की तरह प्रयोग करके तीन या चार पक्षियों को आपस में सिल करके अपने नेक्स्ट को बनाता है। ठीक, ऐसा पक्षी जो अपनी चोंच का अपने चोंच का प्रयोग सुई की तरह करके पत्तियों को आपस में सिल करके अपने घोंसले को बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेलर बर्ड कहते हैं। टेलर की स्पेलिंग टी ए आई एल ओ आर टेलर, टेलर बर्ड। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है जहाँ पर टेलर लिखा हुआ है उसको आपको ब्लैंक पेन से लिखना है। ठीक, समझ आ गई बात? तो सुंदर राइटिंग में लिखिए। इसके बाद नंबर टू है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ब्लैंक पेन से, द एच ई द ब्लैंक बर्ड बी आई आर डी एस बर्ड विथ डब्ल्यू ई ए वी टी एल विथ ग्रास ई आर ए डबल एस ग्रास एंड ई डब्ल्यू आई जी एस विथ एंड इन एंड
इसको आपस में बुन करके अपने घोंसले को ये बनाते हैं। इसलिए ऐसे पक्षी को क्या कहते हैं, ऐसे पक्षी को हम वेवर बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवर बर्ड, डब्ल्यू ई ए वी ई आर, वेवर बर्ड। ठीक, इसको अपनी कॉपी पर आप लिखिए। इसके आगे अभी लिखा रहे हैं सुंदर राइटिंग में, सही भैया बहन लिखेंगे, कोई भी गंदी राइटिंग में नहीं लिखेगा। जिसके पास बुक्स है वो अपनी बुक में भर लेगा, जिनके पास बुक्स नहीं है वो कॉपी पर करेगा। ठीक, जल्दी से करिए इसको। अब देखिए नंबर थर्ड है लीजिए।